विधानसभा के पब्लिक के हित और लायक नहीं है चंद्रशेखर देशमुख जी? देखिए, इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, पर उनने कार्य क्षेत्र में बहुत कमी रखी। इस 70 साल में जो कुछ नहीं किया, आज मोदी जी का 10 साल में देख लीजिए क्या काम किया है। नहीं, वो तो बिल्कुल भी काम के नहीं है हमारे। हम यहाँ कोई काम नहीं किया, उन्होंने इससे पहले भी रहे पर कोई काम नहीं किया। पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले भी नहीं किया था और आज भी नहीं करेंगे। जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है इनसे पूछो कि कौन से काम किए गिना है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा पार्टी ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। इसमें बैतूल जिले की मुलताई विधानसभा से चंद्रशेखर देशमुख का नाम भाजपा पार्टी की ओर से घोषित किया गया है। चंद्रशेखर देशमुख पूर्व में भी भाजपा पार्टी से विधायक रह चुके हैं। आज हम उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं और विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से हम जानेंगे कि पार्टी ने जिस तरह से चंद्रशेखर देशमुख को प्रत्याशी बनाया है तो इनकी क्या राय है प्रत्याशी के विषय में। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? योगेश नागले, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, एससी मोर्चा। अभी बताएं कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भाजपा की ओर से, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के प्रत्याशी क्या कुछ कर पाएंगे इस बार? बहुत ही सब कुछ कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी की बिल्कुल लहर है और हम प्रत्यक्ष रूप से इस बार चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त लेकर जीत पाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि जीत बढ़त पाएंगे। अब अभी दूसरे लोग भी इनसे भी जानेंगे। क्या शुभ नाम है अभी आपका? प्रकाश साहू। प्रकाश जी बताइए, चंद्रशेखर देशमुख इस बार भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के उम्मीदवार है वो और क्या आपके मतलब विधानसभा क्षेत्र में कर पाएंगे? बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है वो। सबको लोग जागरूक रहते हैं, सभी लोग काम में आने उपस्थित रहते हैं। छोटे छोटे कामों को गिनना करना उनके उसमें वर्चस्व रहा। आपको लग रहा है कि प्रत्याशी अच्छा घोषित किया? बहुत जबरदस्त प्रत्याशी। हाँ जी, मैं हेमराज गावंडे साईखेड़ा से। अच्छा हेमराज जी, आप ये बताएं कि जो भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख बनाया, आपको क्या लगता है किस तरह के प्रत्याशी है? ये पहले भी विधायक रह चुके हैं इस ब्लॉक से, पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले भी नहीं किया था और आज भी नहीं करेंगे। ये अगर चाहे कोई दिखता है कि गाँव का कोई काम बताने वाला है तो ये मोबाइल लगा लेंगे, इधर इधर नजर करके जाएंगे। काम नहीं किया, नहीं तो पुराने जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है इनसे पूछो कि कौन से काम किए गिना है। मैं गिनाता हूँ, यहाँ पे साईखेड़ा ससुंदरा चौड़ीकरण किया है रोड, इसके बाद में विधायक निधि से कम मैंने 5 बोर करवाया हूँ यहाँ पे, इसके बाद में 10,11,49,000 से टीना सेट का निर्माण किया है यहाँ जो बन चुका है। मतलब आपको लग रहा है कि जो अभी भाजपा प्रत्याशी जो बने हैं, हाँ जी, कोई काम नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्योंकि मैं रह चुका हूँ उनके साथ में, रह चुका हूँ, बहुत मेहनत की है, बाकी कोई काम नहीं। अच्छा, कर जो पाते जो काम हुए वो किन्ने करवाए? ये विधायक निधि से हुए है, सुखदेव जी पांसे द्वारा। अच्छा, छोटे से भी काम और बड़े भी काम वही करते हैं। शेख रफीक। रफीक भाई, अभी बताए कि जो भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, मतलब जो चंद्रशेखर देशमुख को प्रत्याशी बना, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो बिल्कुल भी काम के नहीं है हमारे। हम यहाँ कोई काम नहीं किया, उन्होंने इससे पहले भी रहे पर कोई काम नहीं किया। हमारे लिए तो विधायक हमारे पांसे जी ही हमारे लिए सब कुछ है। मतलब चंद्रशेखर देशमुख नहीं, वो कोई काम के नहीं हमारे। ठीक है जी, आपका क्या मतलब है चंद्रशेखर देशमुख को लेकर के जो भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है? हम तो पांसे जी को ही जिताएंगे, पूरा काम वही अच्छे से करते हैं, ये हमारे कोई काम में आने वाले नहीं। तो भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है चंद्रशेखर देशमुख को, तो हम भारी बहुमतों से विजय पाएंगे। किसको? चंद्रशेखर देशमुख? नहीं, सुखदेव जी पांसे को। चंद्रशेखर देशमुख के लिए नहीं, सुखदेव जी पांसे जी। अच्छा, आप कांग्रेस के? कांग्रेस ही। जी जी, दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी, आप ये बताइए कि क्या पांसे जी है? अच्छा, पांसे जी को ही करेंगे। चंद्रशेखर देशमुख के बारे में नहीं? नहीं। अच्छा भैया, आप क्या बोलते हैं चंद्रशेखर देशमुख के बारे में? भाई देखो, अब ये सीट से तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन विजय होगा। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की लहर चल रही है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि भाजपा पुनः अपना है ना भी है। दादाजी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस कांग्रेस के जो चंद्रशेखर देशमुख अच्छे हैं उम्मीदवार? कांग्रेस ही है अपन। अच्छा, आप कांग्रेस ही है, तो बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे है कि नहीं? नहीं है। अच्छा भैया, बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे हैं? अच्छे है, ठीक है। क्या लग रहा है आपको कि पार्टी ने अच्छा प्रत्याशी बनाया? बनाया क्यों नहीं बनाया, बनेगा, करेंगे, करना चाहिए, सब अच्छे है। नौजवान युवा भी है। आप ये बताए कि बीजेपी ने जो चंद्रशेखर देशमुख को अपना प्रत्याशी बनाया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, पर उनने कार्य क्षेत्र में बहुत कमी रखी, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। तो क्या लग रहा है आपको, क्या पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया वो अच्छा नहीं बना पाया? मेरे ख्याल से तो नहीं। मतलब क्या प्रत्याशी चेंज करना चाहिए था? ये प्रत्याशी नहीं, हम कौन होते चेंज करने वाले? मतलब आपका मत क्या कहता है, प्रत्याशी कैसे मतलब होना चाहिए? प्रत्याशी तो वही एक खास ही है यहाँ पे, उनके अलावा कोई नहीं खास।
आप क्या बोलते हैं चंद्रशेखर देशमुख के बारे में, जो अभी प्रत्याशी बनाया गया उनके बारे में? उसमें बोलने का क्या है, जैसे देखो पांसे जी हमारे नज़र में बहुत अच्छे नेता है पांसे जी। बाकी मतलब अगर चंद्रशेखर देशमुख की अगर बात करें तो अब देखो जी, अब जो सामने दिखेगा उसी को कोई भी देखेगा, जो सामने दिखेगा नहीं, जो सामने दिखेगा नहीं तो उसको कौन कौन देखेगा उसको। तो चंद्रशेखर देशमुख इसके पहले भी दो बार अपना विधायक रह चुके, क्या आपको लग रहा है? लगने का क्या भाई, मेल मुलाकात हो, मिलना चाहिए, हर सुख दुख में खड़े रहना चाहिए, ऐसे ही जी। बताएं कि भाजपा पार्टी ने जो चंद्रशेखर देशमुख को प्रत्याशी बनाया उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो प्रत्याशी तो बनाया वो क्योंकि खास पार्टी के आदमी है, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाया, बाकी पब्लिक के हित और लायक नहीं है चंद्रशेखर देशमुख जी, क्योंकि 4.5 साल वो घूमते नहीं और 6 महीने में पूरा घूम लेते हैं क्षेत्र में, और विकास कुछ नहीं। आज 35 सालों से यहाँ पे सरकार बीजेपी की है राज्य में, 18 साल से सांसद, 35 साल से बैतूल से, पर हमारे यहाँ भी बीजेपी का एक लाल डिब्बा, एक टैंकर जो आता है ना, वो टैंकर खड़ा है टिंजरा के अंदर में। इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे मुलताई विधानसभा से हमारे कांग्रेस विधायक माननीय सुखदेव पांसे जी भारी 200 पार, मतलब अभी उनकी घोषणा नहीं हुई लेकिन आप उनको, हाँ बिल्कुल जी दर्जन। सुखदेव पांसे, क्या सब नाम अभी आपका? मैं नाम शैलेंद्र कुमार सोनी। शैलेंद्र जी बताएं कि भाजपा पार्टी ने चंद्रशेखर देशमुख को प्रत्याशी बनाया, आपकी क्या राय है चंद्रशेखर देशमुख? देखो चंद्रशेखर देशमुख जो है उसको नहीं देखना है हमको, हमको तो देखना है फूल, हाँ जो पार्टी देखना है, पार्टी ने जो विकास किया है, आज घर घर नल कर दिया, हाँ डैम बना दिए, सबसे ज़्यादा बैतूल ज़िले में पूरे डैम है, मुलताई तहसील में डैम है, ये तो घोसले दावे हैं इनके कि जो ये करेंगे, कुछ नहीं देना है। 70 साल में जो कुछ नहीं किया, आज मोदी जी का 10 साल में देख लीजिए क्या काम किया है। आपको लग रहा है कि उम्मीदवार नहीं लेकिन पार्टी को देखकर क्या बोलेंगे? आपका मतलब उम्मीदवार नहीं पार्टी को देखकर? पार्टी देखना है ना, पार्टी से क्या मतलब, इससे उम्मीदवार से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब है जो विकास करें। चंद्रशेखर देशमुख को जो प्रत्याशी बना, आपकी क्या राय है चंद्रशेखर के बारे में? पार्टी ने जो देशमुख जी को टिकट दी है बहुत अच्छे सोच समझ के दिए और बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं, उनने इसके पूर्व में भी विधायक रहे, कभी कोई उनके बारे में भ्रष्टाचारी का नाम नहीं आया, और जो भी शासन से योजना आई है वो हमारे ग्राम में भी आई, मुलताई ब्लॉक में भी आई है, और सबसे अधिक डैम भाजपा सरकार आने के बाद में मुलताई ब्लॉक में बने हैं। मतलब आपको लग रहा है कि प्रत्याशी अच्छा, ठीक है, इसीलिए ठीक है, मतलब दावेदारी उनकी जो भाजपा पार्टी ने दी है वो ठीक साबित होगी? ठीक ठीक है, दी है और जीतेंगे भी वो। देखिए इनका ये कहना है कि भाजपा पार्टी को देख करके इनको वोट देना है, प्रत्याशी को भी देख रहे हैं, लेकिन मेन इनका फोकस पार्टी की ओर। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे भैया क्या आपको लगता है भाजपा पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है? देखो पार्टी बहुत बड़ी है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो उनको अच्छा लगा उनने किया, भाजपा प्रत्याशी बहुत अच्छे है मानेंगे। बाकी विकास के दर में अपन दो मुलताई विधानसभा को ले तो 500 से अच्छा कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के जो अभी वर्तमान विधायक है उसको लेकर इनका रुझान चल रहा है कि उन्होंने अभी काम किए इसलिए उस प्रत्याशी अपना ये भाजपा प्रत्याशी को लेकर के ये लोग उन्हें दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। नंद किशोर पवार, IBC 24, मुलताई विधानसभा।